ये ले लो। एक हाथ का कितना? ये 20 रुपए का है और वो 30 रुपए का। इसका 30? इसका नहीं, उसका। ये तो 20 रुपए का। नहीं, सही दाम बताओ, ठगने की जरूरत नहीं है। अरे फायदा ही कितना होता है, ठगेंगे क्या? ए, मुझे लड़की समझ के ठग रहे हो क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या आपको ठग के हम अपना पेट पालते हैं क्या? 5 हाथ का नाप कर मुझे 3 हाथ का दे रहे हो, ये ठगना नहीं तो और क्या है बताओ? वो सब कुछ ठीक है, ठीक है, दे दो। तुम्हारे जैसे ग्राहक सुबह सुबह मिल जाए तो पूरे दिन का बंटा धार। ये लो। ज्यादा बोल मत। अरे जाओ, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। बेवकूफ कहीं का, दिखाई नहीं देता है क्या? मेरा पाँव टूट जाता तो। ए, आजकल तुम लोग कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो, तो वहीं रुक, अभी ऊपर आते हो तुम सबके पर काटती हूँ। भाई भाई, पूर्णी ऊपर आ रही है। अरे पूर्णी को छोड़, फूलन देवी को आने दे। तू क्यों डर रहा है? मैं हूँ ना तेरे लिए यहाँ। क्या? पूर्णी आ रही है। अरे बाप रे बाप, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? तूने पूर्णी के साथ क्या किया बता? अरे यार, कितनी बार बोला उसे पंगा मत ले, मत ले, मत ले, मगर सुनता नहीं है। क्या किया तूने? मैं ब्रश करते हुए उसे देख रहा था तो वो। अबे क्या, जल्दी बोल ना। हाँ बता। गमला हा? गमला। अरे गमला है या बिमला, तो जल्दी से बताता क्यों नहीं? बता हा? बता। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया यार। मेरा हाथ उससे टकरा गया और उसके पैर पे जाके गिर गया। अरे बाप रे बाप, उसके पैर में टूट गया क्या? नहीं पता यार। नहीं पता तुझे? आज तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। अरे बाप रे, आगे पेच होना यार। तुम लोग गंदे हो, दिखाई नहीं देता। वैसे तो जब भी मैं गुजरती हूँ मुझे घूरते रहते हो, लेकिन आज मैं नहीं दिखी। गली से गुजरने वाली हर लड़की को, हर आंटी को आंखें मारते हो, रात को पीकर पार्टी भी करते हो तुम लोगों की तो। अगली बार इस तरह की कोई भी हरकत की ना तो एक एक को काट दूंगी, समझे? नहीं, मैं नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या? आजा मेरे राजा, आजा आजा, मुझे अपने बाहों में बंद कर दे। छोड़ मुझे, छोड़, एक टकलू छोड़, छोड़ ना। पड़ रहा है मुझसे। सपने देख रहा था तो इस टकलू के साथ क्यों देख रहा था? एक ही मुलाकात में पूर्णी के सपनों में चला गया। अरे मेरी पूर्णी कहाँ गई यार? ओए, उसे गए हुए 10 मिनट हो गए। सब इसी की वजह से हुआ, इसी की वजह से हम सब टकले को। गुरुजी प्रणाम, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आयुष्मान भव। क्यों सेठ जी? राम राम। जब कोई काम होता तभी हमारी याद आती है आपको? अरे ऐसा नहीं है भाई, आपसे बात करने के पहले पैसा भी तो जमा करता था ना। आप जैसे आदमियों पर हमारा भरोसा डबल नहीं ट्रिपल है। कहिए क्या बात हो गई, क्यों आए हैं? भाई आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी थी। ए, हमारे सारे आदमी भरोसे के हैं, जो बोलना है यहीं पर बोल। वो क्या है ना भाई, बोल। गाँव के बाहर मेरी 100x100 की जगह है और उसी के बाजू में दूसरे की 100x100 की जगह खाली पड़ी है, वो भी रोड के बाजू में। अगर वो जगह हमें मिल जाए तो हम लोग पूरा अपार्टमेंट बांध सकते हैं। अगर वो जगह आप मुझे दिलवा दें तो हम 100 फ्लैट्स आराम से बना सकते हैं। ये कौन सी जगह की बात कर रहा है? अरे भाई वो दत्ता है, रिटायर्ड स्कूल का हेडमास्टर है, थोड़ा नखरे वाला है। अरे वो अपना तोमा है ना, उसी के एरिया में रहता है वो। सेठ समझ लो, हो गया काम तुम्हारा। नेक्स्ट मंथ रजिस्ट्री करवा लेना और हाँ, भूमि का पूजन हमारे पुजारी जी करेंगे। ये पकड़ो, रख लो इसे। अच्छा मैं चलता। नमस्ते। मवाली कहीं के? क्या ये
तेरे साथ आने से अच्छा उस पांडे के साथ ही आया होता तो जो भी लड़की थूक के जाती ना तो मुंह धोने के बहाने उसके घर तो जाता। तेरे साथ आने का कोई फायदा नहीं। अभी अचानक यहाँ पे तेरे सामने पूर्णी आ जाती तो तू क्या करता? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ यार, अगर वो आई ना तो उसे ऐसे कस के पकड़ूंगा और पूरी तरह सपनों में खो जाऊंगा। उसके बाद चाहे जो होगा सब देखा जाएगा। तू तो बहुत हिम्मती है यार। हिम्मत नहीं, लव है यार, लव। ए, तुझे छोड़ दिया तो तू गाना गाने लगेगा, वहाँ सब इंतजार कर रहे। चल अभी चल। तो सपना भी नहीं देखने देता। अरे सपने में क्या रखा है, हकीकत में जी के देख यार। तू भी ना कभी। अरे चल निकल 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 यहाँ से। आज मेरे हाथों से कैसे बचते हो मैं भी देखती हूँ। यार सारे शहर की लड़कियाँ हमें देख के डरती है और हम लोग इसे देख के डर रहे हैं, ये क्या बात हुई यार? अपनी रेपुटेशन का सवाल है यार ये तो। गाड़ी यहीं रोको, गाड़ी से उतरो। कौन से गांव से आए हो? हाँ हे गोरिल्ला, ये तो तुझसे पूछ रही है। एए, तुमसे पूछ रही हूँ। गुल्ली हटी। दिमाग तो ठीक है ना? हाँ मुझे क्या हुआ है, जानती हो अब तो मैं सिक्स पैक बनाने वाला हूँ। अच्छा तुम्हारे पैक्स तो मैं बनाती हूँ, जब देखो तब मुझे घूरते रहते हो, चिढ़ाते रहते हो, छेड़ते रहते हो, घर के नीचे खड़े होकर दांत दिखाते रहते हो। क्यों बे, मुझे क्या समझ रखा है तुमने? हाँ मैंने आपको कब देखा मैडम? मैं तो आसमान में देखता रहता हूँ, चाहो तो गोरिल्ला से पूछ सकती हो। सॉरी पंकज, इसमें हम लोगों को मत फंसाओ, हम तो बजरंगबली के भक्त हैं ना। एए, मुझे किसी गोरिल्ला या चिंपैंजी की गवाही नहीं चाहिए। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। मुझे देखने का, मुझे लाइन मारने का लाइसेंस है क्या तुम्हारे पास? अरे मैडम लेकिन मैंने आपको कब देखा, उल्टा आप ही मुझे देख रही हैं। हाँ। क्या हमें देखने की भी आजादी नहीं है? हाँ। ए, एक दूंगी ना तो बंदर जैसा चेहरा बन जाएगा, फिर तुम्हारी इस शक्ल को कोई देखेगा भी नहीं। वैसे कभी अपना चेहरा तुमने आईने में देखा है क्या? मुझे क्या हुआ है, थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लूंगा तो आप जैसा दिखूंगा, क्या बोलता है? मुझे टॉन्ट मार रहा है क्या? यही मेरी लास्ट वार्निंग है, अगर आज के बाद मुझे घूरा, मुझे चिढ़ाया, मुझे छेड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किया तो तेरी चमड़ी उधेड़ के तेरे घर के दरवाजे पे टका दूंगी। आपको चमड़ी निकालना आता है? लेकिन पांडे ने तो ऐसा कहा था कि आप ब्राह्मण हैं। तेरी तो अभी बताती हूँ।